नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर। और दोस्तों, अभी डिस्कशन कर रहे हैं डीएफए डिजाइनिंग पे, तो आइए कुछ और पैटर्न ट्राई करते हैं और इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं डीएफए डिजाइनिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पैटर्न एक बार देखते हैं क्या है हमारे पास। डिजाइन ए मिनिमल डीएफए ओवर अल्फाबेट ए कॉमा बी सच दैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद सेम सिंबल। अब देखिए, और मजे की बात है, एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद सेम सिंबल। तो जो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल सेम होना चाहिए, बट क्वेश्चन में वो ये नहीं बता रहा कि सिंबल क्या होना चाहिए, है ना। तो अब क्योंकि सिंबल दो है हमारे पास, तो दोस्तों दो पैटर्न देखिए बनते हैं कि अगर ए से स्टार्ट हुआ तो ए से ही खत्म होना चाहिए, ए से ही एंड होना चाहिए, जैसे लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन ट्राई किया था। या दूसरा केस, ऑफ कोर्स बी से भी स्टार्ट हो सकता है, बट बी से स्टार्ट होगा तो दोस्तों बी से ही एंड होना चाहिए। एक और ध्यान चाहूंगा आपका, पैटर्न सोचिएगा क्या यहां पर सिंगल ए या सिंगल बी भी एक्सेप्टेबल है। अब देखिए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल ऑफ कोर्स एक्सेप्टेबल है, बिकॉज अगर सिंगल ए की बात करें तो ये भी दोस्तों ए से स्टार्ट हो रहा है और ए से ही एंड हो रहा है। और अगर बी की बात करें तो देखिए ये भी बी से स्टार्ट हो गया, बी से ही एंड हो रहा है, तो ये दोनों भी एक्सेप्टेबल होंगे। अब अगेन देखिए, डिजाइनिंग की अगर बात करें, इनिशियल सेट से गेम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है कि हमेशा क्या करना है, जो सबसे छोटा पॉसिबल स्ट्रिंग है पहले उसे एक्सेप्ट करा लेते हैं, फिर आगे प्रोसेस करेंगे। तो मुझे बताइए, क्यों नॉट की अगर बात करूं तो यहां पर बाय सरप्राइज दो सबसे छोटे स्ट्रिंग पॉसिबल हैं, एक है स्मॉल और एक है स्मॉल बी, बिकॉज दोनों ही स्टार्टिंग एंडिंग विद सेम सिंबल है। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। तो क्यों नॉट पे अगर आता है ए, तो मान लीजिए पहुंचता हूं क्यू वन पर, और आता है बी तो पहुंचता हूं क्यू टू पर, और इन दोनों को ही दोस्तों मान लेते हैं फाइनल स्टेट। दोबारा समझिएगा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, स्टार्टिंग एंडिंग विद सेम सिंबल थे बट दो सबसे छोटे स्ट्रिंग जो दोनों वैलिड हैं, तो दोनों के लिए दोस्तों मैं अलग अलग ट्रांजिशन बनाता हूं। ए के लिए पहुंचे क्यू वन पर और बी के लिए पहुंचे क्यू टू पर। क्या एक ही ट्रांजिशन भी बना सकते हैं? तो अगर मैं एक ही पैटर्न भी लिखता कि ए और बी आए, तो मान लीजिए हम क्यू वन पर पहुंच गए, देखिए उससे प्रॉब्लम क्या होगी, जब क्यू वन से आप आगे प्रोसेस करेंगे ना तो आप ये याद नहीं रख पाएंगे कि आप क्यू वन तक कैसे पहुंचे, है ना। बिकॉज अगर मान लीजिए, अगर मैंने सिर्फ एक ही स्टेट ऐसे लगा दिया होता बीच में क्यू वन, और ए और बी दोनों पे सेम ट्रांजिशन लेके आपको कहां पहुंचाया होता, क्यू वन पे, प्रॉब्लम क्या है? अब अगर ए आए तो एक्सेप्ट करना होगा कब, अगर पहले ए आया था, वरना रिजेक्ट करना होगा अगर पहला बी था। बट ये कैसे पता लगेगा, बिकॉज जैसे ही आप क्यू वन पे पहुंचोगे, अब आप ये नहीं बता सकते आप यहां पे कैसे पहुंचे थे, बिकॉज दोनों के दोनों सिंबल यहां लिखे हैं ए और बी। तो देखिए, अलग अलग दोस्तों फाइनल स्टेट रखने का यहां क्या फायदा हुआ हमें, ए रखा तो Q1 पे पहुंचे, B रखा तो Q2 पे पहुंचे। अब मुझे पता है कि अगर मैं Q1 पे हूं तो इससे पहले A ही आया था, अगर मैं Q2 पे हूं तो इससे पहले B ही आया था। तो दो दोस्तों सबसे छोटे स्ट्रिंग जो है हमने एक्सेप्ट करा लिए हैं, आगे का काम अब जानते हैं, सिस्टम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, Q1 पर अगर आया A तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेप्ट करते रहेंगे, और B के बाद भी B आए तो भी एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए आइडिया क्या है, अगर A से स्टार्ट हुआ तो इन बिटवीन क्या B आ सकता है? ऑफ कोर्स आ सकता है। तो पहले जो हमने पैटर्न सीखा था उसी को यूज करता हूं, और टेंपरेरीली मान लीजिए थोड़े समय के लिए हम Q1 Q2 तो मान लीजिए Q3 नाम के किसी टेंपरेरी स्टेट पर चले जाते हैं, और हम यहां पर वेट करेंगे कब तक दोस्तों, जब तक B आता रहेगा, और जैसे ही आएगा A मैं वापस आ जाऊंगा Q1 पे। देखिए, इस तरह का पैटर्न हम पहले काम कर चुके हैं। अब बस चेंज क्या है कि दो डिफरेंट केसेस एक ही साथ आपको डिजाइन करने हैं। A से स्टार्ट किया, एक्सेप्ट कर रहा हूं, जैसे आया B पहुंचा Q3 पर, B के लिए लूप करूंगा, और जैसे ही आएगा A दोबारा एक्सेप्ट करूंगा, बिकॉज स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद A था। अब देखिए, यहां पर हीरो कौन है, B है, तो B से स्टार्ट किया, जब तक B आ रहा है तब तक एक्सेप्ट करेंगे, बट देखो जैसे ही आएगा बीच में A तो मान लीजिए पहुंच जाते हैं एक और स्टेट Q4 पर, और अब यहां पे लूप करते रहेंगे, बिकॉज A जो है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज नीचे वाला जो केस है मशीन का वो B को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो जैसे ही आएगा B हम दोबारा दोस्तों पहुंच जाएंगे किस पे, Q2 पे। तो देखिए ये मशीन क्या काम कर रहा है, अगेन ये वो सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा विच आर स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल। कुछ और ऑब्जर्वेशन आपका चाहूंगा, वो क्या,
देखिए ये पहला ऐसा केस है यहाँ पर हमें दो फाइनल सेट की जरूरत पड़ी। अभी तक हमने जितनी मशीन बनाई थी हर किसी में एक ही फाइनल सेट से हमारा काम चल रहा था, बट यहाँ पर आप देखेंगे दोनों स्टेट्स को आप एक साथ मर्ज नहीं कर पाएंगे। रीजन जैसा मैं आपको बताया था, आप ये भूल जाएंगे कि आपने स्टार्ट किससे किया था, ए से के बी से, मेरे को कोई सेपरेट मेमोरी, कोई टेप, कोई स्टैक नहीं है आपके पास। तो जो भी चीज आपको याद रखनी है वो सिर्फ स्टेट चेंज कर ही याद रखी जा सकती है। तो इसलिए इसको दोनों को हमने अलग अलग प्रोसेस किया और ये पैटर्न हुआ दोस्तों हमारा ए का और ये पैटर्न हुआ हमारा बी का। एक और चीज समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर एक चेंज कर दिया जाए वो क्या, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल, यानी कि अब क्या होगा दोस्तों, वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी जो ए से स्टार्ट हो तो बी से एंड हो और बी से स्टार्ट हो तो ए से एंड हो। एक बार वीडियो पॉज करके इसको पहले ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा। देखिए ए से स्टार्ट होंगी तो बी से एंड होनी चाहिए, बी से स्टार्ट होंगी तो ए से एंड होनी चाहिए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल। अगर देखिए सोचेंगे तो डिजाइनिंग के हिसाब से आई थिंक सिंगल या सिंगल भी अब एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, बिकॉज दे आर स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल। तो अगर ए से स्टार्ट होगा तो बी से एंड होना चाहिए, बी से स्टार्ट होगा तो ए से एंड होना चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे तो कम से कम जो दोस्तों स्ट्रिंग है वो दो लेंथ की आपको मिलने वाली है, लेंथ टू लेंथ टू। तो अगर आप प्रोसेस करिएगा डिजाइन करने का, वैसे कंक्लूजन में आपको बताऊं बाद में होगा क्या, ये जो दोस्तों क्यू वन है जिसको अभी तक हम मान रहे थे फाइनल स्टेट, उसकी जगह मान लीजिए क्यू थ्री फाइनल स्टेट हो जाएगी और यहां पर क्यू टू जिसको भी हमने फाइनल स्टेट माना है Q4 फाइनल स्टेट हो जाएगी। तो देखिए प्रोसेस करिएगा, स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी, एक्सेप्ट जब तक बी आर एक्सेप्ट करूंगा, जैसे ही ए आएगा फिर वेट करूंगा और बी आएगा तो एक्सेप्ट करूंगा, बिकॉज ए से स्टार्ट किया है तो एंड बी से ही करना पड़ेगा, ये बात पता है हमें। सिमिलरली इधर देखिए, स्टार्टिंग विद बी तो एंडिंग विद ए बी, एंडिंग विद ए एक्सेप्ट करूंगा, जब तक ए आ रहा है वेट करूंगा, बट अगर बीच में आए बी तो फिर दोबारा दोस्तों वापस आऊंगा क्यू टू पर और बी के लिए वेट करता रहूंगा, ए के आते ही एक्सेप्ट करूंगा। तो देखिए एक ही पैटर्न पर दो क्वेश्चन हमने कवर किए, स्टार्टिंग एंडिंग विद सेम सिंबल या फिर स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल। तो मेरे ख्याल से अगेन वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बहुत जल्दी हाजिर होता हूँ डीएफए डिजाइनिंग कुछ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।